बताओ आदित्य, आदित्य सर अदिति ने हैंड रेस किया। लुईस 16 को किंग बना दिया गया। बात नहीं करो, बात क्यों कर रहे हो? लुईस 16 किंग बना। आगे की बात देखिए, फिर 1774 में, 1774 में जो कर लेंगे अभी रख लो, कितने का है? 105 नहीं, 100 का दे दो। ये लो, गिन के दे दूंगा। सो एंड वो फ्रांस का किंग बना ना, लुई 16 बिकेम किंग ऑफ फ्रांस, और उसने एब्सोल्यूट मोनार्की, निरंकुश राजशाही को चलाया, सही है सर? सो ही वाज द एब्सोल्यूट मोनार्क, अपने मन से जैसे चला पाए। नाउ लुई 16 बिकेम एब्सोल्यूट मोनार्क। फिर इसके बाद आपको ये बात पता है कि इसने क्या किया, फिर से असेंबली बुलाई, दैट इज स्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलाई थी। कब बुलाई थी? 1789 में। कब? सही है, फिर तुम्हें अच्छा बता रही हूँ। फिर तुम्हें 1789 ही कॉल्ड मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल। अब इसके बाद जब उसने मीटिंग बुलाई, तो मीटिंग बुलाने में इसने टैक्स बढ़ाना चाहा सबका, ऐसे एक्सचेंज मत करो, डिस्टर्ब मत करो, तो उसने टैक्स बढ़ाना चाहा। तो 20 जून को क्या हुआ? 1789। हाँ, ये मत बोलो कि टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुआ, इकट्ठा तो बहुत लोग बहुत जगह होते हैं, पार्टी भी बनाते हैं। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, तुमने नहीं लिखा है, तो क्या लिखना चाहिए था? फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। नाउ अदिति ये बताओ कि बास्टिल जेल पे आक्रमण क्यों हुआ? बहुत अच्छी बात बताई, ऐसे समय में इतना काम हो गया, नेशनल असेंबली बन गई। लोगों ने क्या किया, वहां खाने पीने की दुकानें लूट ली, क्योंकि उस समय स्कैर्सिटी चल रही थी। कैसे स्कैर्सिटी चल रही थी, जरा ध्यान दो, क्योंकि 1774 में जो वहां की पॉपुलेशन थी वो 2.2 मिलियन थी, यानी इसका मतलब है क्या, 22 लाख, और 1789 तक आते आते ये 2.8 मिलियन पहुंच गई, यानी क्या 28 लाख। समझ में आ गई बात की नहीं? तो अब जरा देखिए हाउ मच वाज द पॉपुलेशन, तो जरा अपनी बुक निकालो और उसमें जो चार्ट बना है फ्रांस की पॉपुलेशन देखो कितनी थी। जो चार्ट बना हुआ है कि हाउ मच वाज द पॉपुलेशन, वाज इट इन बिलियन, 28 मिलियन थी ना, तो 22 मिलियन से कितनी पहुंच गई, ये 220 लाख हुआ ना, से कितनी पहुंच गई, 280 लाख। 280 लाख का मतलब समझते हो, 2 करोड़ और 18 लाख, ऐसा 15 सालों में पहुंच गई थी। तो इतने लोगों को खाने की चीज होती थी, तो ऐसी स्थिति में लोगों ने क्या किया, ये बास्टिल जेल के पहले की बात बता रहा हूँ, क्या वहां लोगों ने दुकानें ही लूट ली। दुकानें लूटने का निष्ठा ऐसा है कि वहां पे लोग ब्रेड बनाते नहीं थे, वो ब्रेड की दुकानों में ब्रेड तोड़ तोड़ के देता था, तौल तौल के, बहुत बड़े बड़े लोफ होते थे उसमें से तोड़ता था और तौल के देता था। उसके लिए 4 घंटे औरतें लाइन लगाती थी। घर की औरतों की क्या जिम्मेदारी होती थी, वो सुबह 4 बजे जाए वहां से ब्रेड लेकर क्या बैग में, और फिर उसी से सब्जी में डुबा डुबा। वीट राशन था, वीट तुम ऐसे नहीं खरीद सकते थे कहीं से, गेहूं नहीं खरीद सकते, तुमको ब्रेड ही मिलेगी,
वो भी वही दुकानों में मिलती थी, बात समझ आ गई। तो लोगों ने जब खाने की तंगी आ गई, पैसा नहीं था, तो सरकारी दुकानें लूट ली। अब लुई 16 ने सेना को भेजा शहर में, तो लोगों के बीच ही अफवाह फैल गई कि हमने दुकानें लूटी, हमको गोली मारने आ रहा। क्या क्या अफवाह फैल गई। तो उन लोगों ने सोचा इनका मुकाबला कैसे किया जाए, हाउ कैन वी काउंटर द लुई 16, क्योंकि वो उन्होंने सोचा अभी हमें गोली मार देगा। पहले भी बात हो चुकी थी टैक्स बढ़ाना, टैक्स हमने बढ़ाया नहीं। तो इन्होंने कहा कि क्यों ना हम लोगों के पास भी हथियार हो तो हम भी मुकाबला कर सकते हैं। हाउ कैन वी लूट द आर्म्स। उन्होंने कहा बास्टिल ये जो कंट्री साइड में वेस्ट साइड में जेल है, उसी से हथियार लूटे जा सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने 7000 लोगों ने, कितने लोगों ने 7000 लोगों ने बास्टिल जेल पर कब आक्रमण कर दिया बताओ। 14 जुलाई को। तो 14 जुलाई 1789 7000 कॉमन पीपल अटैक्ड ऑन। So common people attacked on Bastille Jail and looted weapons. और कितने लोगों को देवांश उन्होंने आजाद करा दिया, कितने prisoners को? Correct। जैसा कि देवांश ने बताया कि 7 कैदी थे और वहां का जो जेलर था वो मात्र 7, सही बता रही हो दीदी। That is and they released 7 prisoners, looted all weapons। इतनी बात समझ आ गई। तो इसके बाद क्या हुआ, ये तो जुलाई की है, तो अब मुझे ये बता दो अर्पित कि वहां पर कितने अगस्त को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। सही है, तो 4 अगस्त 1789 that is कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाज एस्टैब्लिश्ड। अब क्वेश्चन ये उठता है वाई बास्टिल जेल वाज अटैक्ड बाय कॉमन पीपल। सर रीजन तो ये भी था ना कि वहां पे उस प्रिजनर्स थे जो किंग की पावर को दिखाता था, तो किंग पे गुस्सा आया, तो सो किंग की पावर को डोमिनेट करता था ना वो बास्टिल जेल, तो इसीलिए उन्होंने उसको अटैक कर लिया कि वो किंग पे नाराज। तो वो क्यों अटैक किया, क्योंकि जब राजा ने अपने सैनिकों को भेजा शहर में कि भाई इस तरह से लूटपाट हो रही है, तो लोगों ने सोचा ये मैं गोली मारने आ रहा। जब तुम पढ़ोगे वीडियो कल भी भेजा था, तो उसको देखा है जिसने, वो बता रहा है, देखो अदिति फटाफट बता रहे। तो दैट इज व्हाई बास्टिल जेल वाज अटैक्ड, ठीक है, बाय कॉमन पीपल। तो आंसर क्या है, एट दैट टाइम द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप एज वेल एज फ्रांस वाज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, अंधाधुंध रफ्तार से बढ़ रही थी। एट दैट टाइम क्या था बोलो, एट दैट टाइम पॉपुलेशन ऑफ यूरोप एज वेल एज फ्रांस was rising, ठीक है, या increasing exponentially। तो कितने लाख बढ़ गई थी, from 15 साल में एक पीढ़ी के आते आते कितनी बढ़ गई, तो from 1774 to 1789 it has grown from that is 22 million अब बुक में लिखा है 20 थी, तो बोलो ऐसा लिखा है, बोलो निष्ठा कौन लिखा है, 23 क्या नहीं लिखा ना, 23 मिलियन टू 28 मिलियन तक बढ़ चुकी थी।
देयर वॉज स्कैर्सिटी ऑफ ग्रेन्स एंड टैक्सेस वर हाई स्कैर्सिटी और स्कैर्सिटी ऑफ ग्रेन्स एंड पीपल हैव नो मनी टू परचेज इट. जब लोग टैक्स ही देंगे तो खरीदेंगे क्या. देयर वॉज स्कैर्सिटी. स्कैर्सिटी का मतलब कमी होता है. स्कैर्सिटी ऑफ ग्रेन्स, ठीक है, और प्राइजेस वर हाई एंड पीपल हैव नो मनी टू परचेज इट. और ऐसे में जिसके पास पैसा है, तुम चार घंटे में लाइन लगाओ, बाद में बोल दे दुकान वाले की खत्म हो गया राशन, तो तुम आज क्या बनाओगे क्या. तुम तो लूट लोगे दुकान. जब देखोगे 100 लोग खड़े हैं, 4 लोगों की ब्रेड है, तो जो पीछे के 100 वो लूटने नहीं आएंगे कि हमें पहला मिल जाए. सो इस चीज को कहते हैं इट इज ए सिचुएशन ऑफ फेमाइन. ये एक सूखा की स्थिति होगी ना. तो स्कैर्सिटी ऑफ ग्रेन, तो पीपल स्टार्टेड, तो फीमेल वहां पर लाइन लगाती थी. अभी फ्रांस की जब हम आगे की स्थिति पढ़ेंगे, जब औरतों का आंदोलन, तो हम इसमें ये लिखेंगे कि औरतें ब्रेड की दुकानों में, बेकरी की दुकानों में लाइन लगाती थी. क्या ऐसा फिगर है अच्छे तो तुम्हारे बुक में दिया है. yes, तो हम टेंथ में दिखा देंगे. टेंथ में है तो अच्छी बात है. कहीं पे नहीं है, है तो ठीक है. तो पीपल स्टार्टेड लूटिंग, वो लूटने लगे द बेकरी शॉप. तो बेकरी शॉप को उन्होंने लूटा. लुई 16 सेंट ये आर्म्ड फोर्सेस टू दैट इज काउंटर द सिचुएशन, टू हैंडल द सिचुएशन. सिर्फ उसने आर्म्ड फोर्सेस भेजा था, लेकिन लोगों ने क्या सोचा, गोली मार देंगे. सो सेंड आर्म्ड फोर्सेस टू हैंडल द सिचुएशन. So a rumor spread among the people. Rumor कौन सा समझते हो, अफवाह. Rumor spread among the people that armed forces are coming to shoot them. Then 7,000 common people with sticks and axe, जो उनके पास कुल्हाड़ी थी या फार्म, जो क्या होते हैं फार्म इम्प्लीमेंट्स होते हैं, ज्यादा तो उनके पास नहीं था. Along with sticks and axe. जिससे जमीन खोदी जाती है ना, होज होज भी तो तुम समझते ही हो ना, जिससे जमीन को प्लेन किया जाता है, उसमें जो भी वीड्स हमको निकाला जाता है, पिच फॉक्स लिखा. सात हजार लोगों ने क्या किया, स्टिक्स एंड होस. होस तो याद रहेगा, बुक में पिच फॉक्स भी लिखा है, खुदाई करने वाले विषय का. अटैक ऑन बास्टाई डे, ये दुनिया की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है कि कॉमन पीपल राजा के खिलाफ हो, यही डेमोक्रेसी की शुरुआत. तो दे किल्ड जेलर and released 7 prisoners. Jailer and released prisoners. ये घटना पूरे यूरोप में सबसे तेजी से फैली कि कॉमन लोग चाहे तो राजा को दबा सके.
छोटी घटना थी, बहुत ज्यादा हथियार भी नहीं लूटे थे, ठीक है। ऑल्सो दे ऑल्सो लूटेड आर्म्स, ऑल्सो दे लूटेड आर्म्स। दिस वॉज अ फर्स्ट काइंड ऑफ रिवोल्ट by common people against monarch, and all the monarchs of Europe has taken it as a personal attack on them. Europe के सभी राजा ने सोचा जिसे हम ही पे अटैक हो गया, कल ना हुआ तो कल हमारे यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। This was a first kind of revolt by common people against monarch. लोगों ने मार्च किया तो वो जो लोग थे वो उन्होंने एक गीत गाया, मर्सिलीस, वो आज भी फ्रांस का सॉन्ग है, सब नेशनल एंथम, नेशनल एंथम है। मर्सिलीस की स्पेलिंग किसी को बता दो, देखते हैं। तो वो गाते हुए चले थे वहां, को ध्यान से पढ़ेगा तो पता चल जाएगा, वो गाते हुए चले थे वहाँ, बास्टीन वाले ही घटना में लिखा है। यस सर, अब इतनी बात हो गई, अब आगे देखिए। सर ये रहा M A R S E I L L E S, M सर ये पोएट रॉजर डे एलिसले ने, इसको अगले क्वेश्चन निकाल देंगे। इतना तुम्हें समझ आएगा कि क्यों अटैक हुआ है। आगे देखो, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाज एस्टैब्लिश, सो किंग वाज फियर्ड and he accepted constitutional, कि भाई लोग ऐसे revolt कर रहे हैं तो कर ही लेना चाहिए। इतना ही नहीं, जो चेटॉक्स थे, ये जो वहाँ feudal system था ना, feudal system में भी तुमने ये लिखा है अल्पेश कि first and second state के लोग tax नहीं देते थे, third को देते थे, ये feudal system, ये feudal system नहीं है। king appoints some of their loyal officials and distribute a piece of land to them, they regularly pay, समझो। किंग कुछ राजा अपने सामंतों को कुछ जमीन दे देता था खुश होके, किंग बिकम हैप्पी टू सम ऑफ देयर लॉयल एंड हैंड ओवर अ पार्ट ऑफ पीस ऑफ लैंड, सो दोज लॉयल्स आर नोन एज फ्यूड, उन्हें क्या कहा जाता था, एंड उससे और फ्यूड बोला गया, अगेन लोग देखेंगे फ्यूड कहा गया, एंड द सिस्टम वॉज नोन एज फ्यूडल सिस्टम, सिस्टम को क्या कहा गया। तो ये चीज है कि सामंत लोगों से टैक्स लेते हैं, सीधा राजा नहीं ले रहा, तो फ्यूड तो अपनी मनमर्जी से टैक्स लेगा, तो उसमें ज्यादा लोग परेशान है, नहीं पूरे राजस्थान में भी फ्यूड सिस्टम था, बहुत बेकार सिस्टम था। सर इसे सामंती है, सामंती, सामंती मिल जाती थी तो वो अमीर हो गया बैठे बैठे, समझ में आ गई बात भी नहीं। आप देख लेना आपके कल के क्वेश्चन में यही सही लिखा, यही लिखा था। चलो अब हम आगे देखें, वॉट डज इट मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो जरा एक टेबल निकालो अपनी बुक की, पेज नंबर 10 पे दी गई है। नाउ कैस्टिल जेल, ये वेस्ट साइड में थी और ये बहुत फोर्ट्रेस थी, किले बंदी की तरह थी। तो अब ये उस समय और भी देखने से नेट पे पता चलेगा जेल एक ही थी, कहीं थी फ्रांस तो बहुत बड़ा है, 2 करोड़ लोग हैं, तो एक जेल नहीं रहे होगी छोटे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया हथियार लूटने के, यह मुझे पता नहीं। ये एक मिनी फोर्ट्रेस थी, बिल्कुल किले नुमा थी, तो उन्होंने सोचा कि हमने राजा को ही जीत लिया, इसमें हथियार भी बहुत बंद थे, तो बस एक ये अटैक था एक तरीके का, समझ में आई बात कि नहीं, क्यों किया इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन एक जेल थी। अब वहां पे और स्थितियां देखोगे क्या थी तब पता चलेगा, जो वहां पर सिटी साइड में या उस सिटी के आसपास पेरिस के आसपास यही जेल रही होगी सबसे बड़ी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन लोगों ने इस पे किया, वो तो आगे और हिस्ट्री पढ़ेंगे तो डिटेल में पता चलेगा, बट ये काम किया। अब जरा देखें, सो व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र से तुम क्या समझते हो, इसकी व्याख्या करिए। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की।
बोर्ड क्लियर दिख रहा है आदित्य सर? बोर्ड सर सही दिख रहा है आदित्य? नहीं चलो सर। हाँ सॉरी फाइन था उस टाइम पर नहीं बोलो सर। हमारा ऑर्डर है बोर्ड रहा है बोर्ड भी कर नहीं चाहिए था। ठीक है अभी उस साइड हो गया सही है जा दीजिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के लिए पेज ये निकालो और उसके ऊपर हेडिंग दिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इफ ए मोनार्क इज ओबेइंग या फॉलोइंग सम कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय असेंबली देन इट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। सो इफ मोनार्क कोई राजा है ऑफ एनी कंट्री obey या rules on basis of constitution और वो भी कैसा constitution made by elected people लोगों ने उन्हें चुना हो ऐसे लोग बनाए कंजी ये नहीं कि राजा ही बना ले ऐसे तो राजा अपना constitution ही बना ले। so constitution made by elected people then it is called constitutional monarchy। वहां से constitutional monarchy कब आई फ्रांस में? पता तो चले कि कहां पे बोलो। कोई बात नहीं इतना जरूरी नहीं इस बारे में 17 चलो ये बताओ 5 मई 1789 को क्या हुआ? पांच मई को नेशनल असेंबली कॉल करेंगे। उनको आइडिया नहीं किसी चीज से उनको मतलब चैप्टर के बेसिक चीजों को याद है। ठीक है उतारते हो बाद में काम आएगा उतारने से भी याद हो जाता है कभी कभी। चलो कोई बात नहीं सर। वो अपने कंट्री के बाद क्या लिखा है? वो कंट्री के बाद क्या लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय इलेक्टेड पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो किसके द्वारा बनाया हो चुने हुए लोगों के द्वारा इलेक्टेड पीपल या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। सर वो कंट्री के बाद क्या लिखा है? कंट्री रूल्स रूल्स। सो इफ मोनार्क ऑफ एनी कंट्री रूल्स किसके आधार पर शासन करता है? और बात समझ में आ गई? तो अब फ्रांस की स्थिति क्या थी? फ्रांस में मैंने तुमको बता दिया कि 4 मिलियन पॉपुलेशन एक्टिव सिटीजन थी। अब इसका चौक और देखो प्लान कैसे वहां कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। सो फ्रांस इज हैविंग ये देखो फ्रांस में दो तरीके के सिटीजन थे एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी वो 3 तरीके की थी। फ्रांस की गवर्नमेंट के 3 पिलर्स थे। डिफरेंट पिलर्स एक थी न्यायपालिका जुडिशियरी और एक एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका लेजिस्लेटिव और एक क्या था लेजिस्लेटिव जो कि इट फॉर्म्स रूल इट मेक्स द पीपल टू ओबे रूल इफ समबडी डिसओबे देन दे पनिश। समझ आ गया? तो ये क्या करती है? ये होती है एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब है कार्य पालिका। अब ये है जो न्याय जो कानून बनाए उसको विधायिका कहते हैं क्या? तो इट मेक्स रूल ये रूल बनाती है और ये मेक्स पीपल टू ओबे रूल इफ समबडी डिस ओबे रूल। डिस ओबे रूल दे पनिश। तो ये कितने लोग थे एक्टिव सिटीजन? ये 4 लाख लोग थे। कितने लाख में से बताओ 4 मिलियन थे क्या? 40 लाख लोग थे।
that is 40 lakh या 4 million among 28 million. तो 4 million among 28 million वो भी कौन से थे? Have right to vote. और क्या वे टैक्स पेयर थे? Yes sir. सर एक एक लेबर के 3 दिन के वेज के टैक्स दे दिए। तीन साल की बुक में लिखा कि 3 दिन के वेजेस के बराबर जो टैक्स पे करता था उन सबको इनमें और सब प्रॉपर्टी भी ऑन कर दी थी। हाँ, टैक्स पेयर्स। आप अच्छा बता रहे हैं। टैक्स पेयर्स थे। दे आर पेइंग टैक्स इक्वल टू द वेज ऑफ, जैसे यहाँ पर 700 रुपये एक दिन का है तो जो 21 मैं उदाहरण दे रहा हूँ तो जो 2100 रुपये उससे ज़्यादा का टैक्स देगा तो वो वोट दे सकता है। सही है। तो दीज आर टैक्स पेयर एंड ओन लैंड एंड ओन एंड जबकि सर हाँ सर जो मतलब हर दिन का एक पर्टिकुलर अमाउंट का पैसा टैक्स के रूप में हर दिन का नहीं महीने में महीने का मान लो जैसे एक लेबर का एक दिन का चार्ज 700 रुपये है तो 2100 रुपये जो महीने में टैक्स दे देगा एक महीने में 2100 रुपये अगर दे देगा तो उसे भी वोटिंग का अधिकार। हाँ बोलो क्या मेल एंड अबव 25 ये मेल होते थे ये भी कंडीशन है इसमें फीमेल नहीं होती थी मेल अबव 25 ईयर्स सिटीजन होना चाहिए तो मेल थे अबव 25 ईयर्स फीमेल का तो सफरेज ही नहीं था एंड अबव 25 ईयर्स और सिटीजन ऑफ फ्रांस ये कौन थे पैसिव सिटीजन बच्चे और औरतें देयर इज नो वोटिंग राइट्स तो 3 मिलियन मेन और अब देखो 4 मिलियन ये हो गए 3 मिलियन और यहां रखो 3 मिलियन 3 मिलियन मेन चिल्ड्रन उन्होंने जिनके पास थोड़ी जमीन भी हो एंड ओन लैंड लैंड हो और ये मेल थे दीज वर मेल टैक्स पेयर्स तो 4 मिलियन का मतलब 40 लाख हो गए कि नहीं 280 लाख में से 280 लाख में 40 हो गए बाकी 30 लाख वो अब बच्चे बूढ़े एंड ऑन लैंडलेस लेबर वो सब इसी में है लैंड नहीं है तो भी तो नहीं हो पाएंगे ना और बहुत सारे बचेंगे अगर तो देखो 4 मिलियन के बाद क्या 24 मिलियन बचे वो सब इसी में तो आएंगे 4 मिलियन मैन हो गए अब इसमें लिखा है ऐसा लिखना नहीं चाहिए था इनको लिखना चाहिए था जो बच गए जो लेफ्ट ओवर है रेस्ट पॉपुलेशन लिखनी चाहिए 3 मिलियन तो कोई मतलब नहीं लिखा तो इन्होंने कहा 3 मिलियन मैन है बाकी जो लैंडलेस है उन सबको तो भी अधिकार नहीं सो लैंडलेस ये सारी चीज अब जरा देखो ये जो एक्टिव सिटीजन थे ये डायरेक्ट जज को चुन लेते थे क्या कहते थे बोलो डायरेक्ट इलेक्ट तो ज्यूडिशरी से कोई लेना देना ही नहीं था किंग का ये तो जज अपना है पब्लिक चुनेगी और यही एक्टिव सिटीजन जो थे वो 50,000 इलेक्टर्स को चुनते थे दैट इज इलेक्टर्स 50,000 ये 40 लाख लोग 50,000 ऐसे लोगों को चुनते थे जिन्हें फिर किसी को चुनना है सुनो 40 लाख लोग है ना ये 4 मिलियन कह दो उन्होंने 50,000 को चुना फिर से देखो 40 लाख में कितने जीरो 1 2 3 4 5 है देखो 40 लाख हो गए और 50,000 जरा बनाओ 1 2 3 50,000 है अब जीरो काटना शुरू करो 4 जीरो यहाँ काटो 4 जीरो यानी 400 लोग 5 को चुने और डिवाइड करो 5 से भी डिवाइड करो तो कितना होगा बोलो 80 लोग 80 लोग एक को चुने समझ आ गई बात 50,000 लोग चुन लेते थे अपने अंदर ही वालों को चुनेंगे क्योंकि वही आगे बढ़ पाएंगे जिनके पास लैंड है जो 25 साल से ऊपर ठीक है तो अपने में ही 50,000 लोगों को चुन लेते थे दीज वर इलेक्टर्स अब ये इलेक्टर्स 745 को चुनते थे 50,000 तो समझो 80 ने एक को चुना और अब ये 50,000 लोग कितने को चुनेंगे बोलो 745 अगर मान लीजिए 3-3 डेसिमल हटा दो तो 3-2 ये बता दो तो 500 लोग 7 को चुन रहे हैं ज्यादा देखा जाए तो 500 लोग और 7 से भी डिवाइड कर दो
तो 77 या 70 लोग एक को, 81 को, फिर 70 एक को, समझो यही तो रेशो हुआ। तो अब दीज 50,000 इलेक्टर्स आर, चार्ट समझ नहीं आया, चार्ट समझो। फ्रांस में उस समय दो तरीके की पॉपुलेशन थी, तो फ्रांस में जो 24 मिलियन थी वो पैसिव सिटीजन थे और 4 मिलियन कौन थे एक्टिव सिटीजन। तो ये कौन से थे बोलो, 4 और ये कौन थे बोलिए 24। सर पर आपने 3 मिलियन लिखा है, वो सब छोड़ दो, बुक में बुक नहीं, एंबिगुअस है। 3 मिलियन लोग क्योंकि जो बचे वो भी क्या करेंगे, सिर्फ 40 लाख लोग हुए कि नहीं, 4 मिलियन एक्टिव। तो ये 3 मिलियन का कोई मतलब नहीं है, 3 मिलियन में फिर कहोगे कि लैंड लेस अलग, क्या वो मैन नहीं है, तो वो भी तो मैन ही है। तुम उनको कह दो नहीं वो मैन नहीं, वो तो लैंड लेस है, इसका कोई मतलब है क्या। तो जब 4 मिलियन आया तो जो बच गई पॉपुलेशन वो यहीं रहेगी कि नहीं, ऐसा सिंपली समझो, इसका कोई मतलब नहीं, बुक में तो लिखा दिया। इन 4 मिलियन या 40 लाख लोगों ने, क्या 50,000 लोगों को चुना, इन 4 मिलियन ने सीधा वोट किया, जज को चुन लिया, पूरी ज्यूडिशरी को चुन लिया। ज्यूडिशरी भी उस समय तीन भागों में तो नहीं, क्योंकि नेपोलियन ये बाद में किया था, नेपोलियन ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोकल कोर्ट, नेपोलियन ने काम किया, उसके पहले जजेस बस ऐसे ही थे, लेकिन जो भी ज्यूडिशरी थी इन्होंने चुना सीधे। और इन्हीं लोगों ने क्या 50,000 लोगों को भी चुन लिया, क्यों चुना, 40 लाख लोगों ने और मिलियन को 40 लाख। अगर मिलियन को लाख में बदलना चाहते हो तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 4 मिलियन में कितने लाख, 40 लाख, या 6 जीरो लगा दो, मिलियन में 6 जीरो लगते हैं। उन्होंने 50,000 को चुना, अब इसका 50,000 लोगों ने कितने को चुना वो बता रहे हो, तुम वुमेन्स राइट के समर्थक नहीं हो, जैसे लेडीज से पूछा जाए तो ये भी समर्थक नहीं है, जेंट्स शुड टेल हाउ द लेडीज कैन टेल, दे कैन वॉश द क्लॉथ्स ओनली सर, दे आर मेड टू वॉश द यूटेंसिल सर, है ना, यही चीज तो मैं समझ गया तुमको। ये फ्रांस, जो फ्रांस के एडवांस लोगों में ये भी है कि हाँ बोलो, 50,000 लोगों ने 50,000 को चुना, ये कुछ नहीं है, ये एक इलेक्टर्स है अपने में से हमने चुन लिया, जैसे हमने 80 लोग यहाँ बैठे हैं और बोल दिया जाओ तुम ज्यादा समझदार हो, तुम जाके चुन लेना उस है, वो नेशनल असेंबली में कौन बैठेगा, तो मान लीजिए हम सभी में अर्पित सबसे ज्यादा समझदार है, उनके बराबर इनके जोड़ का कोई है ही नहीं, क्लास में भी नहीं है और सेक्शन में भी मिला लो वैसा कोई नहीं है। तो हम लोगों ने चुन लिया अर्पित को, अर्पित से कहा जाओ वहाँ पे, अब तुम अर्पित जैसे 70 लोग वहाँ एक नेशनल असेंबली का एक आदमी चुने, बताया कि नहीं अगला देश, तो ये 50,000 अब कितनों को चुनेंगे, इनको भेज दिया, सबको भेज दिया, अब अर्पित तुम हम सब में सबसे समझदार हो, जाओ पेरिस जाओ वहाँ वोटिंग होनी है, मैं ट्रेन में बैठे पहुंच गए पेरिस, 40,000 लोगों ने अपने अंदर से 40 लाख लोगों ने 50,000 को चुना, उन 50,000 को पेरिस भेज दिया, वे 50,000 लोग पेरिस में रह रहे हैं तंबू के नीचे अब वोटिंग करके आ, तो उन 50,000 लोगों ने कितने को चुना बोलो, 745। तो वो 745 मेंबर्स क्या हैं, नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं। तो अब इन्होंने एक नेशनल असेंबली, उसमें 745 मेंबर्स हैं, उनको चुन लिया, इतनी बात अब समझ में आ गई, बताओ इतनी बात समझ आई। इन 745 मेंबर्स ने कानून बना डाला, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये होना चाहिए, होना चाहिए, बुक में भी लिखा है ना, जो मोनोलिथिक पत्थर पे लिखे हुए कानून है, ये लोग कानून बना भी सकते थे, बदल भी सकते थे, चेंज भी कर सकते थे, रोज बैठ के यही काम करेंगे, कानून बनाएंगे बदलेंगे। एक एग्जीक्यूटिव में राजा है, राजा खुद कुछ नहीं बनाएगा, जैसे हमारे एग्जीक्यूटिव में मानसी कौन है बोलो, जुडिशियरी में जज होगा, IAS IPS यही सर, इनका काम है क्या करना बताओ, इनका काम है जो प्रधानमंत्री मोदी या पार्लियामेंट बोल रही है उसको लागू करवाना, अपने मन से इनको कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ प्रोमलगेट कराना है, लागू कराना। तो किंग क्या करता था बोलो, सो किंग शुड ओबे, जरा एरो देखो, तो नेशनल असेंबली कंट्रोल करती थी कि राजा को कितने अधिकार दिए जाए, ये कंट्रोल करती थी, क्या करती थी, और मिनिस्टर्स तो किंग भी था, किंग सुप्रीम था, जैसे पीएम है मोदी और उनकी मिनिस्ट्री भी तो है, कोयला मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, जल मंत्रालय, ऐसे बहुत सारे मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ऐसे जितने भी हो, ऑल द मिनिस्टर्स, कम से कम 20 मिनिस्ट्री होती हैं जो अलग अलग विभागों को देखती हैं। तो मिनिस्टर भी, किंग एंड इट्स मिनिस्टर्स,
किंग भी होगा और कौन होगा? मिनिस्टर्स। तो ये सबको कौन कंट्रोल करता था? क्या इनके बनाए नियम? लेकिन राजा को भी बोला गया था, भाई तुम बहुत पुराने हो, नॉबन फैमिली के हो, कुलीन वर्ग के हो, तुम चाहो तो तुम वीटो कर सकते हो। वीटो का मतलब समझते हो कि तुम कह दो मैंने भंग कर दी, नेशनल असेंबली भंग, जाओ फिर से चुनाव करो। और ये राजा इतना बदमाश था कि इसने मतलब 2 साल के कार्यकाल में इसने 20 या 20 से ज्यादा बार भंग कर दी। वो बनने नहीं पाती थी, वो कहते थे राजा की कंट्रोल करो, जाओ भंग हो गया, जाओ फिर से लड़ो। राजा का मन था माने, और नहीं तो या उसे भंग कर दे जो दूसरी नेशनल असेंबली आएगी उसको माने, फिर उसको भी भंग कर दे, वो रोज भंग करे। ये बिल्कुल गलत काम कर, वो लोगों में इतनी हिम्मत अभी भी नहीं आ पाई थी कि राजा को पुल डाउन कर दे, अभी भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई। बड़ी चीज थी, वासिल जेल पे अटैक की थी, लेकिन एक गलती क्या कर दी, वीटो दे दिया। अब कोई बुक में देख के बताए कि उसने 2 साल में कितनी बार भंग की, वो बहुत बड़ी बात है। तो इसके पास एक वीटो था। राजा भी नेशनल असेंबली को किससे कंट्रोल करता था, बोलो? वीटो से करता था कि नहीं? तो ये चीज है, इसी में ये लिखा होगा, इसी के ठीक नीचे। अब ये देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1971 में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, और 3 days ऑफ लेबर वेजेस है कि नहीं, जो तक का तक उखड़ देता था। अब अगले लाइन में देखो कहीं कितनी बार भंग की है लिखा है, इसी के आगे कहीं लिखा होगा, देख लेता है। सो नाउ अगले पेज पे देखो, असेंबली सिचुएशन ऑफ फ्रांस। सो देखो नेक्स्ट लिखा है ना, नेक्स्ट ध्यान से चलो पता चल जाएगा। How many times Louis XVI used veto to dissolve National Assembly? अभी बता रहे हैं। तो नेशनल असेंबली कितने साल तक चली? 2 साल तक चली। मिल पाया कि नहीं आपको कि कितनी बार इसने वीटो किया? उसमें मिला? ठीक है, हमें तो लग रहा है 20 times है। उसमें क्या अच्छा, 71 में संविधान बन गया था, 89 में उसने कर लिया था, 71 में 89 में तो उसने कॉन्स्टिट्यूशनल उसको मान लिया। 2 साल उनको भी लगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने, तब तक वो जो जो बनाते रहे तब तक ये करता रहा। सो ये लिखा How many times National Assembly was dissolved by Louis XVI? तो सर वो जो वीटो करते तो वीटो को हटा नहीं सकते थे? वीटो हटा ही नहीं रहे थे, उतनी हिम्मत ही नहीं थी उनमें। 38 dissolved and was succeeded by National Assembly. चलो इसको देखते हैं। अब जरा देखो, इतनी बात हम लोगों ने पढ़ ली, तो 79 में उसने इसको एग्री कर लिया था ना। अब जरा देखिए, जुडिशियरी जज, जुडिशियरी जज को कहते हैं, ठीक है। जो किंग हैज वीटो, किंग वाज गवर्न्ड बाय द रूल्स सेट बाय नेशनल असेंबली, ठीक है। सर एक बार वीटो दोबारा बता, फिर से समझो कि वीटो पावर, समझो जो हमारे यूनाइटेड नेशंस में 5 देश हैं, वैसे तो 193 कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशंस, समझते हो, संयुक्त राष्ट्र संघ, तो इसमें 193 कंट्रीज है, 5 कंट्री को वीटो मिला है। उनमें कौन कौन है? यूएसए है क्या? रशिया,
चाइना, फ्रांस और इंग्लैंड, पांच कौन कौन से देश हैं? तो अब रशिया ने यूक्रेन पे वार कर दिया, सारे देश खड़े थे, एक छोटे से देश पे वार कर दिया रशिया ने, चलो रशिया को बैन कर दो, तो सारे देशों ने हाथ खड़ा कर दिया, रशिया को बैन किया जाए, इससे कोई सामान नहीं लिया जाएगा किसे। और इनको जिनको वीटो है, वीटो इनको स्पेशल पावर होती है, रशिया ने हाथ खड़ा कर दिया, नो रशिया शुड नॉट बी बैन, सब चुप हो गए। वीटो के पास एक इतना स्पेशल अधिकार है कि चाहे पूरी दुनिया चिल्लाती रहे, अब वीटो वाला धीरे से हाथ खड़ा कर दे, नो, बात खत्म। बात समझ आ गई कि नहीं? ऐसे ही समझ आ, कोई भी देश अगर चाहे दुनिया में वो कितना भी अत्याचार कर ले, चाइना अत्याचार कर रहा है, इंडिया को वीटो मिल रहा था, पर मिल रहा था, लेकिन जवाहर लाल नेहरू कह रहे हम वीटो वीटो लेके क्या करें, चाइना को दे दो, अब हम लड़ रहे हैं, और अभी इतना फायदेमंद है, पर कितना ज्यादा, कई बार हमारे आतंकवादी सब चाइना बचा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, वीटो होने से हम कितने शक्तिशाली होते, हमारी स्ट्रेटेजी कितनी अच्छी होती, इकोनॉमी कितनी अच्छी होती, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं। अब मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन ने, सुनो, नेशनल असेंबली ने कहा राजा तुम पर ये अनुशासन, तुम एक दिन में सिर्फ दो ही बार ड्रेस बदलोगे, तुम सिर्फ इतने प्लेट खाना खाओगे या ऐसे करोगे, जो भी करोगे, तो उसने कहा ओके बट यू आर डिसऑल्व, तुम भंग हो गए, जाओ फिर से लड़के आओ। वीटो समझ में आ गया तुमको? वो सिर्फ एक बार बोल दे कि तुम डिसॉल्व हो गए, तुम भंग हो गए, जाओ फिर से आओ, तुम गैर कानूनी। अब फिर से आएगा, इतना कौन झंझट करेगा, अगली वाली आएगी तो सावधान हो जाएगी कि मजा करना है तो राजा के खिलाफ कुछ बनाओ, नहीं तो फिर भंग कर देगा, डर डर में वो थोड़ा सा भी करेगी तो फिर भंग हो जाएगी। तो उसने, इट वॉज सो अनस्टेबल दैट विद इन टू ईयर्स स्पैन ऑफ टाइम इट वॉज डिसॉल्व मोर देन 20 टाइम्स, जहां तक मेरा ख्याल है 10th की बुक में लिखा हुआ है। तो नेशनल असेंबली क्यों डिसॉल्व हो गई? क्योंकि इसको बहुत बार ये क्या करता था। सो किंग हैज स्पेशल वीटो पावर, वीटो पावर, उससे क्या होगा बोलो, दैट इफ समथिंग सम रूल इज मेड टू कर्ब द पावर ऑफ किंग, तो वो क्या कर सकता था, किंग कैन dissolve, dissolve का मतलब समझते हो, भंग करना। सर अगर किंग को कोई रूल पास करना था तो वो उसे नेशनल असेंबली से पूछ के ही करना पड़ेगा। किंग को रूल कर ही नहीं सकता था, किंग एक आईएएस अफसर है, किंग का कोई रूल ही नहीं होता, रूल तो नेशनल असेंबली में नहीं, वो फॉलो करेगा बस, वो बैठा है बस। और अगर किंग को सही नहीं लगा तो वो भड़ा वीटो कर देगा। किंग सिर्फ वीटो कर सकता है, समझो एक आईएएस अफसर है, आईएएस अफसर को आजकल कौन पूछे, कह रहे हैं कि तुम्हारे पास सब शानो शौकत है, राजमहल है और तुम एक आईएएस अफसर, बस कुछ मतलब है उसका, जब किंग रूल बना ही नहीं सकता तो मतलब क्या हुआ, है ना। सो इट कैन डिसॉल्व नेशनल असेंबली एज एंड व्हेन डिजायर, भंग कर देना। जैसे कई बार हमारे राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया, वो चाहे अभी अभी इलेक्शन हो रहा है और राष्ट्रपति कहे जाओ, भंग कर दिया संसद भंग, जाओ फिर से लड़ो, है अधिकार, करता नहीं है, लेकिन कहीं का गवर्नर, गवर्नर है तो वो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधानसभा होती है, हर राज्य में विधानसभा भी तो होती है, जैसे यहाँ जयपुर में पूरे राजस्थान के लोग चुन के जाते हैं कि नहीं राजधानी में, और वो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली में सारे एमएलए बैठते हैं, तो गवर्नर किसी राज्य का राज्यपाल है, और जबकि प्रेसिडेंट पूरे देश का राष्ट्रपति है, तो प्रेसिडेंट किसको डिसॉल्व कर सकता है, पार्लियामेंट को, और गवर्नर, गवर्नर हर स्टेट का होता है ना, वो अपने यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकते, तो ये उनको पावर दी गई है, ये लगभग इसी से मिलती जुलती पावर है, ये भी एक वीटो ही है। तो किंग कैन डिसॉल्व नेशनल असेंबली एज एंड व्हेन, फिर बनाना पड़ेगा, फिर से चुनाव लड़ो जाके। इसमें कितना टाइम लगता है चुनाव लड़ने में? चुनाव लड़ने में अब ये 20 बार हुई है, इतना पैसा खर्च हुआ कि ये जो फ्रांस है इसी में कंगाल हो गया। सर उन्होंने जब बेस्टाइल को लूटा था तब उन्हें 2 मिलियन रुपए ऐसे ही मिल गए थे, वो तो मिल ही गए थे। अब ये जरा ध्यान दो कि चुनाव लड़ने में बहुत पैसा खर्च होता है, ये जो इलेक्शन हो रहा है कितने लोग, बैंक के कर्मचारी वो अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहे, बहुत सारे टीचर तुम्हारे यहाँ से गए होंगे, बहुत सारा इससे होता है ना, काम काज तो गड़बड़ हो जाता है, टीचर्स को ड्यूटी पे लगाया हुआ है, इलेक्शन ड्यूटी, ड्यूटी में लगाया जाता है, तो इससे हमारे देश को जितना भी हमारा बजट है 1/10 तक का बजट खर्च हो जाता है सिर्फ चुनाव
अगर मध्यावधि चुनाव हो तो उससे मतलब मिड टर्म भी इलेक्शन होते हैं, उससे हमारे देश को बहुत प्रेशर पड़ता है। तो इसलिए इस इलेक्शन से ही उनका फ्रांस कंगाल हो गया। 20 बार चुनाव कराए गए। तो नेशनल असेंबली कैन डिसॉल्व नेशनल असेंबली एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। इतनी बात समझ आ गई। किंग हैज डिसॉल्व 20 टाइम्स दिस नेशनल असेंबली विद इन ए पीरियड ऑफ 89 को उसने मान लिया था, 81 टू 91। अब 91 आ गया, अब रविश प्रे आने वाला है। ध्यान दीजिएगा, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो किंग ने कितनी बार किया बताइए इसको डिसॉल्व? 20 टाइम्स। मजाक बना के रख दिया इसने इस नेशनल असेंबली का। नेशनल असेंबली भी गलत थी, उसने उसको वीटो दिया ही क्यों नहीं? लेकिन अगर वीटो भी ना देती तो किंग मानता भी ना, फिर तो लड़ जाता है ना। किंग हैज डिसॉल्व 20 टाइम्स दिस नेशनल असेंबली। असेंबली विद इन कब से कब तक बोलो? विद इन ए पीरियड ऑफ 1989 to 1791 के सितंबर तक अब नेशनल असेंबली हैज लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी। अब उसने लोगों के बीच में अपनी विश्वसनीयता खो दी थी। नाउ अब क्या हुआ बताइए? नाउ क्या हुआ? नेशनल असेंबली जब इतनी बार भंग हो गए, तुमको चुन के भेजा और फिर तुमसे कहा हर्षिता तुम वापस आ गई, अरे उसने भंग कर दिया, फिर से चुन के भेज दो। तो क्या मजा आ गया, तुमको इतनी मेहनत से चुन के भेजते फिर वापस आ, क्या कानून बना दिया? हमने कुछ बनाया, हम कुछ कर ही नहीं रहते, जब भी भंग कर दिया फिर किस लिए जाते? मजाक नहीं बन जाएगा? तुमको हम भेजे वहां और तुम फिर कल आ जाओ तो फिर से भेज दो एक बार। तो हम सोचेंगे कैसे मजाक बना के रखेंगे, देश चलाएंगे, कोई नहीं मानेगा ना। तो नाउ नेशनल असेंबली हैज लॉस्ट इट्स असेंबली हैज लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी। ऑल्सो नेशनल असेंबली कंसिस्ट ऑफ अपर क्लास पीपल ऑफ थर्ड स्टेट। सब इसमें अमीर अमीर लोग थे, क्या लैंड वाले लोग थे? तो जो छोटे छोटे लोग थे, लैंडलेस थे, आर्टिजन थे, या जो पैसिव सिटीजन थे, उन्होंने कहा हमारी तो कोई बात ही नहीं सुन रहा। वो लोग एक्टिव सिटीजन जा जाके चुन रहे, हम यहाँ पे 24 मिलियन बेकार बैठे हैं क्या, हमको तो कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा। एक 4 मिलियन है, उन्होंने जैकोबिन क्लब बना लिया, गरीब लोगों ने क्या बना लिया, उनका हीरो बन गया मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। तो जो सेंट जैकोबिन, एक सेंट जैकोबिन थे वहां का कोई संत था, उधर चर्च में बना, चर्च में, तो सेंट जैकोबिन ने ये क्लब बनाया और फिर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर इसका मेंबर बना, फिर इतना ज्यादा अच्छा मेंबर बन गया कि लोगों ने उसी को चुन लिया। जरा सोचो, नाउ नेशनल असेंबली हैज लॉस्ट इट्स अपनी अपनी विश्वसनीयता इसने खो दी। क्रेडिबिलिटी क्या है? विश्वसनीयता, यानी अब तुम पे भरोसा करने लायक नहीं, तुमको भेजते हैं तुम फिर 2 दिन में वापस आते, तुम करके क्या आते हैं वहां जाते हो दिल्ली? हम क्या करें सर, वहां वो हमको भगा देते हैं डिजॉल्व करके, फिर क्या करोगे, बैठो यहीं पे। तो तुम अब तुम पे हम भरोसा करेंगे? ऐसे करते करते 4 मिलियन खत्म हो जाएंगे। विश्वसनीयता, लोगों को अब उस पर विश्वास नहीं रहा। विश्वसनीयता, भरोसा, इसको क्या कहते हैं? लोगों में उसने अपना भरोसा खो दिया। वो बार बार चुन के जाती थी और राजा बार बार भंग कर देता था, फिर वो लोगों के बीच पहुंच जाते थे, फिर से चुन के भेजो, तो कोई भरोसा करेगा? नेशनल असेंबली को बार बार इलेक्ट करके भेज रहे हैं तो बार बार, अब समझो हर महीने में एक बार तुम आ जाओ फिर से चुन के भेज दो, तो कोई मतलब है नहीं। सर हमने ये असेंबली बनाई 745 पीपल्स की, फिर उस जो किंग था उसने उसको भंग कर दिया, तो फिर वो जो पीपल है उसने वापस वही सेम करें, लेकिन एक तरीके का उसका कोई मतलब नहीं है। वो फिर अगले दिन, एक महीना लगता है चुनाव की प्रक्रिया में, और वो अगले ही दिन भंग कर देता है, फिर एक महीने लड़ो, समझो 20 बार किया तो समझो वो 2 ही 2 दिन बैठे होंगे।
तो अगर वही को भी भेज दे तो भी वो करेगी क्या? लोगों को मालूम है ठीक है भेज देंगे, कल तुम फिर आ जाओगे तो भंग कर देगा। तुम कुछ कानून बना ही नहीं सकते हो। तुमको जब तुमने उसको वीटो दी ही क्यों? तुमको देनी नहीं चाहिए थी, तुम्हारी गलती थी। तो इसलिए उस नेशनल असेंबली वो वीटो को भी अगर पास करना है कि वीटो इज कैंसिल, तो भी राजा ही पास करेगा। राजा क्यों वीटो को कैंसिल कराए? कोई वीटो कैंसिल करा देगा क्या? तो यानी राजा ही सुपीरियर है अभी। ये तो कोई दिखावे की हुई कि नहीं? अगली बात मैंने तुमसे क्या बताई? नाउ नेशनल असेंबली कंसिस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ एक्टिव सिटीजन ओनली विच वर द रिच पर्संस ओइंग लैंड, जिनके पास जमीन थी वही लोग थे। बाकी हमने 24 कहीं लिखा है 24 मिलियन लोग क्या कर रहे थे? उनका कोई सुनने वाला था? तो लिखो उन्होंने स्लेवरी भी अबॉलिश नहीं की तो टैक्स भी कम नहीं किया। अब ये भी चीज है कि वो सब हम इसमें देखेंगे कि आगे हुआ क्या। नेशनल असेंबली हैज लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी, इट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, रिच पर्संस ऑफ थर्ड स्टेट। इसमें थर्ड स्टेट के लोग ही आते थे, ठीक है, विच कैन नॉट लुक वेलफेयर ऑफ द पुअर पुअर पर्सन ऑफ फ्रांस, हु कैन नॉट, तुम्हारा पेन बहुत देता है, लुक आफ्टर, जो फिर गिर गया, हु कैन नॉट लुक आफ्टर, दो पेन से लिखती है, हु कैन नॉट लुक आफ्टर, जो किसको नहीं देख पाता था, पुअर पर्सन ऑफ फ्रांस। अब देखो देन अब सुनो, इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें कौन कौन लोग आते थे? इट कंसिस्ट ऑफ रिच पर्सन ऑफ थर्ड स्टेट। नाउ द पुअर पर्सन वर डिसकंटेंडेड, असंतुष्ट हो गए क्या? नेशनल असेंबली सिर्फ 91 तक चली, इसके बाद नेशनल असेंबली का खेल खत्म होने वाला है। कौन करेगा वो जरा देखो। तुमको अभी हमने क्या बताया कि जरा देखिए, हमने आपको दो चीजें बताई हैं, तीसरी तो भी हमने बताई नहीं। हमने आपको बताया एब्सोल्यूट मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अभी मैंने आपको कन्वेंशन तो बताया ही नहीं। सर कन्वेंशन उसकी गवर्नमेंट का नाम था ना? और ना ही मैंने आपको डायरेक्टली बताई सर जो, और किसी तरीके से मैंने आपको मिलिट्री रूल भी नहीं बताया। अच्छा एब्सोल्यूट मोनार्की कब से कब तक बताई? राजशाही चली ही आ रही थी, तो ये अंत में कब कब ये टर्मिनेट हो गई? और अब ये बताओ, ये जो हमने आपको बताया निरंकुश राजशाही, ये कब से कब तक चली? 1789 से 1790। और संवैधानिक राजशाही, राजतंत्र या राजशाही, फिर इसके बाद संवैधानिक राजतंत्र। अब जरा देखो 1789, ये भी अगस्त में शुरू हुआ समझो, और सितंबर तक चला। अगस्त से शुरू होकर चाहे आप ईयर भी याद कर लें तो भी चलेगा, और सितंबर 1791 तक चला, सही है। After that, अब what, how the Jacobin Club was established? इसकी स्थापना कैसे हुई? Why the Jacobin Club was established? What was its result? So Jacobin Club church के अंदर बनी थी सर, Saint Jacobin Club. तो गवर्नमेंट के पॉलिसीज को डिस्कस करने के लिए वो क्लब्स बनाते थे। हमने एक वीडियो आपके में भेजा है, जब तक ये जो ऑनलाइन है वो लोग जैकोबिन क्लब वाला हिस्सा खोल के देखें, तो हम यहाँ भी दिखा रहे हैं।
उससे आपको पता चल जाएगा। फोन की बैटरी डाउन है। किस वाले की? नीचे वाले। अभी इसको ठीक कर देते हैं। चलो इसको नहीं माना, इन्हीं में से कुछ आगे चल कर जब बड़े हो जाएंगे तो क्या एक्टिव सिटीजन में आ जाएंगे? तो इसलिए 3 मिलियन कौन थे बोलो? इन्हीं के बच्चे थे क्या? दैट इज चिल्ड्रन। वो आगे बड़े बड़े हो जाएंगे तो चिल्ड्रन एंड फैमिली वुमेन। और कितने लोग फिर सिटीजन नहीं हुए? जो लोग टैक्स नहीं पे करे उनको सिटीजन भी नहीं माना गया। जरा सब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो जाएगा? 21 मिलियन लिविंग इन फ्रांस, लिविंग इन फ्रांस एंड डू आर नॉट कंसीडर्ड एज ए सिटीजन ऑल्सो, पैसे भी नहीं है, वर नॉट पेइंग टैक्सेस, टैक्सेस एंड आर Not considered as. Sir, यहाँ पे constitution monarchy के अंदर ministers बताए तो ministers का क्या काम था? So ministers elect कैसे होते हैं? राजा अकेले काम नहीं कर सकता है, जैसे कोई transportation काम आ रहा है, transport का अलग कोई देखता है तो ministry चाहिए, इतने सारे विभाग होते हैं। ministers कौन बनाता है? ministers, अब ministers वो राजा के ही जो ministers थे वही रहेंगे। राजा अपने आप इलेक्ट कर सकता है। तो वो भी इलेक्ट होते थे क्या? उनकी डेथ हो गई, डेथ हो गई तो उसके लिए मिनिस्ट्री का इसमें कुछ नहीं है। राजा अपने आप ministers बनाता है, जैसे अभी भी हमारे यहाँ चल रहा है, किसी को भी वो रख सकता है देख रेख के लिए, लेकिन उस पर कंट्रोल कौन करेगा? नेशनल असेंबली। अभी भी यही होता है। तो किंग एंड किंग्स फैमिली कैन एक्ट एज मिनिस्टर, हाउएवर दे वुड बी कंट्रोल्ड बाई नेशनल असेंबली एंड इट्स लॉ। सो राजा मिनिस्टर इलेक्ट करता था? राजा अपने मिनिस्टर्स खुद इलेक्ट कर सकता है, अपने परिवार में इलेक्ट करेगा। लेकिन जब जैसे जैसे नेशनल असेंबली ने अपनी क्रेडिबिलिटी खोनी शुरू कर दी, तो क्या आपको मालूम है कि उसने जर्मनी पर और प्रूशिया, उस समय प्रूशिया नाम था, ये देखो ये देखिए सर प्रूशिया अभी क्या है? अभी जर्मनी 39 स्टेट को मिला के उसने जर्मनी बना लिया। ये देखो अभी आगे कहानी आपको पता चल जाएगी कि प्रूशिया पर उसने अटैक किया, क्योंकि अभी नेपोलियन वहां अटैक करेगा। ये प्रूशिया है, ये क्या है? प्रूशिया अभी क्या है बोलो? नाउ इसका नाम क्या है? जर्मनी। ये ही जर्मनी है जो दो बार युद्ध का कारण बना है, वर्ल्ड वार वन वर्ल्ड वार टू का। इसको हम आगे देखेंगे। अब ये प्रूशिया, ये क्या है बोलो? दैट इज फ्रांस। हैब्सबर्ग एम्पायर की रानी है। तो इसने क्या किया? यहाँ की नेशनल असेंबली ने प्रूशिया पर आक्रमण कर दिया। कितना दूर? प्रूशिया पर आक्रमण कर दिया। अब जरा ध्यान दीजिए, तो नेशनल असेंबली ने जब आक्रमण किया तो लोग सब सेना में भर्ती होने लगे, और भर्ती होने लगे जब वो फिर युद्ध के लिए निकलते थे वो तो मर्सेली सॉन्ग गाते थे, जो वीर भक्ति का सॉन्ग है, इसीलिए आज भी फ्रांस का सॉन्ग मर्सेली का। समझ गए? अभी देखिए कि फ्रांस ये नेशनल असेंबली, अच्छा नेशनल असेंबली ने क्यों युद्ध किया बताओ रूसिया पर? सर क्योंकि किंग उनके साथ सीक्रेट नेगोशिएशन। ध्यान से वीडियो देखते हैं हम तो यही देख रहे कि द प्रूशियन किंग जो वहां पर पता कैसे चला जब सीक्रेट मीटिंग का? सीक्रेट मीटिंग सब पता चल जाता है, सब कुछ पता सर वो सीक्रेट को सुन के लिए कुछ तो होते हैं ना, हर जगह काम पर चाय पानी देने वाले होते हैं, वही चाय पानी देने वाले सब वही गुप्त सूत्र है, गुप्त सूत्रों से पता चला, यानी चाय पानी देने वालों से पता चला। समझ में आई बात? सो द लुईस 16 हैड ए सीक्रेट मीटिंग विद प्रूशियन किंग, सो दैट ये जो नेशनल असेंबली को कैसे कर्ब डाउन कर दिया जाए। तो यहाँ नेशनल असेंबली ने प्रूशिया पर ही आक्रमण कर दिया। लुईस 16 ने क्या किया? लुईस 16 एज सीक्रेट मीटिंग टू कंट्रोल द पावर ऑफ नेशनल असेंबली। जब नेशनल असेंबली को ये पता चला कि इसके साथ सीक्रेट मीटिंग की विद रूसिया, रूसिया का आजकल नाम क्या है? जर्मनी। इतनी बात समझा? फिर पर्सिया किसका नाम? जर्मनी। तो हर चीज जानती है तुम्हें सब बता दो तो दूसरे क्या सुनाएंगे? तो सिस्टम पसंद है, सही बात है। जहां पारसी रहते हैं जो जरथुष्ट को मानते हैं, ज़ोरोस्ट्रियन, वही ईरानी है। ये देखो तो ये अफ्रीका है क्या?
और अफ्रीका के बगल में गल्फ कंट्रीज हैं, और गल्फ कंट्रीज से ये इंडिया है, और ये इसके बाद क्या बताइए? अच्छा गल्फ का क्या मतलब होता है मानसी, जरा बताओ तो। जिसके अंदर साइड डीपली गया हो, तो यहाँ पर ये जापान और फिर और देश है, ये देखो तो यहाँ पर है, ये पर्सिया है, तो पर्सिया का अभी नाउ क्या नाम है बताओ? ईरान। नाउ ईरान। तो पर्सिया और प्रूसिया में आप लोग कंफ्यूज ना करना, जहाँ पारसी रहते हैं, क्या उसने वहाँ रहने वाले ईरान जब बना ना मुस्लिम था, वहाँ पे खलीफाओं का शासन हो गया, उसने सब पारसियों को मार डाला, 5000 लोग भाग के यहाँ गए, आज भी वो बम्बई में रहते हैं। उसी में रतन टाटा बिरला वही सब पारसी हैं, जो भारत के सबसे अमीर है वही 5000 पारसी हैं। रतन टाटा मुस्लिम है, पारसी हैं सब, समझ आ रही है कि नहीं, क्योंकि वहां से आए। ओके, जरथुष्ट को मानने वाले। अब जरा ध्यान दीजिए, हाँ तो उसके आगे क्या तुमने बताया कि दे हैड सीक्रेट मीटिंग, इसके अगली लाइन बोलो। बहुत अच्छा, नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट रूसिया, जर्मनी अगेंस्ट, तो फिर उसकी सीक्रेट मीटिंग फेल हो गई अगेंस्ट रूसिया, सही है। पीपल ज्वाइंट आर्मी एंड सैंग सॉन्ग ऑफ मर्सलीज, मर्सलीज एक जगह का नाम था, ऐसा नहीं है, उस जगह के लोगों ने जो गाना बनाया था सारी फ्रांस वही गाने लगे। सो पीपल ज्वाइंट, पीपल ने क्या किया, ज्वाइंट आर्मी एंड सैंग सॉन्ग, क्या तुमने पहली बार फिर से बताना जरा एक बार सर, एम ई आर मर्सेलीज, ऐसे आई है क्या, और डबल ई है, सही है, मर्सेलीज का सॉन्ग आया, ठीक है। अब सर एस ई है, क्या एस ई है, एस ई आई, यस सर, सही है। तो ये सॉन्ग आया, नाउ इट इज द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, नाउ इट इज नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। जब इतने लोग इसको ज्वाइन कर रहे थे तो नेशनल असेंबली लोगों में बदनाम क्यों हो गई, ड्यू टू वार, नाउ नेशन है सम एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, बियर बर्डन, फ्रांस तो पहले से ही कर्जे में डूबा था और तुमने युद्ध में भी डाल दिया, तो उससे फिर नेशनल असेंबली काउंटर नहीं कर पाई, देश को निकाल ही नहीं पाई, युद्ध के बाद कहां तुम निकाल पाओगे, नहीं। So due to war, there was extra financial burden, वित्तीय बोझ आ गया, financial burden on France, और फिर उसके बाद क्या वो बताइए, ठीक है। So National Assembly was considered as failure among the people. People ही को तो बियर करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा? Now जो भी prices of essential goods rose, prices of essential goods भी क्यों, commodities, खाने पीने की चीजें, commodities, इसका मतलब है कि खाने पीने की चीजें वो बढ़ गई, तो प्राइजेस रोज, राइस रोज, राइस एंड बढ़ गई, तो क्या होगा बताइए। ऑल्सो नेशनल असेंबली कुड नॉट लुक आफ्टर द कंसर्न्स या वेलफेयर ऑफ लोअर क्लास पीपल ऑफ थर्ड स्टेट, वो नहीं देखती थी क्योंकि खुद ये बहुत अमीर लोगों के द्वारा चलाई जा रही थी। ऑल्सो नेशनल असेंबली ठीक है हैज फेल्ड टू सी
when fear of that is lower class people किसके lower class and middle class के लोगों का भी middle class people of third state. तो third state के लोगों ने क्या किया, तुमने इसे पढ़ा था सेंट प्लूटोस ना sir. तो जो वो कपड़ा पहनते थे अलग प्रकार का स्ट्रिप ड्रेस पहनते थे सेंट, ये सही बताने यही बोल रहा था, क्या बोल रहा था लेकिन वो टी साइलेंट है, यही उसने भी बोला है। अब इतनी बात समझ में आ गई कि नेशनल असेंबली क्यों फेल हो गई, क्योंकि वो अननेसेसरी वार में पड़ गई, वार में पड़ना जरूरी था, नहीं तो वो सब मिलकर नेशनल असेंबली को कर लेते, वो लोग तो षड्यंत्र कर रहे थे ना, गलत नेशनल असेंबली उससे तो अच्छी थी एब्सोल्यूट मोनार्की से, अब इससे भी अच्छी आने वाली, तो चीजें बदलेंगी तभी तो धीरे धीरे रिवॉल्यूशन आएगा। अब फ्रेंच फर्स्ट रिपब्लिक, उसमें सबको वोटिंग दे दी जाएगी, 28 मिलियन को नहीं दी जाएगी, फीमेल को फिर भी नहीं दी जाएगी, अभी फीमेल का आगे चलेगा। फीमेल्स के लिए उसने लेकिन बहुत किया था, एजुकेशन दिया था, लेकिन फीमेल को फिर भी इसने वोटिंग राइट नहीं दिया। अब आगे देखो, 1946 यहाँ तक तुमको समझ में आ गया कि कहाँ प्रूशिया है और इसने अटैक कर दिया था क्या इसने, ऑस्ट्रिया में इसलिए कहते क्योंकि वो सब किंग का घर ही था, तो कल को हो सकता ऑस्ट्रिया अटैक कर ले। ऑस्ट्रिया हमेशा लुई 16 का फायदा करता था क्योंकि वहाँ की वो बहुत ही yes, ये उसका ससुराल था, उसका मायका, तो वो तो दोनों राजा से एक ही हुए ना, क्योंकि वहाँ की तो मेरिन टॉनिटी थी, दोनों जुड़ चुके थे। अब जरा देखो नाउ आगे क्या हुआ, हाउ जैकोबिन्स क्लब वाज एस्टेब्लिश्ड। अब ये तो क्वेश्चन क्या है बताइए कि वाई नेशनल असेंबली फेल्ड, ये क्वेश्चन क्या है कि वाई नेशनल असेंबली फेल्ड। तो पहला रीजन उसने युद्ध कर दिया, महंगाई बढ़ गई। दूसरा रीजन, किंग यूज्ड 20 टाइम्स वीटो पावर टू डिसॉल्व नेशनल असेंबली विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ 2 इयर्स। हो सकता है किसी को नेट पे मिले तो बता देना, वरना मैं 10th की बुक देख के भी बता दूंगा, अभी कल परसों का एसएसटी शुरू होने वाला है। तो 20 टाइम्स यूज्ड वीटो पावर 20 टाइम्स विद इन इस आंसर के साथ है क्यों फेल हुई। पहली बात तो कि महंगाई बढ़ गई, इसको पॉइंट्स में लिखना, पैराग्राफ पॉइंट्स में लिखना, 2-3 ही पॉइंट्स हैं। और दूसरी चीज क्या है, पीरियड ऑफ 2 इयर्स। सो एज इट हैज नॉट प्रोवाइडेड ए स्टेबल गवर्नमेंट, क्या वो एक स्थिर सरकार दे सकी, दूसरा पॉइंट। और तीसरी बात, ये छोटे लोगों लोअर क्लास का ध्यान नहीं देती थी, महंगाई बढ़ा दी, लोअर क्लास का ध्यान नहीं देती थी, और 20 बार फेल हो गई। तीन ही तो पॉइंट है, 20 बार भंग कर दी गई, आप हो कहाँ, आपको हमने भेजा किस लिए था, जाके वहां वोट करो नेशनल असेंबली, बार बार लौट आते वोट मांगने, कैसे हम भरोसा करें आपको। नाउ विद इन अ ईयर, सो इट कुड नॉट प्रोवाइड अ स्टेबल गवर्नमेंट इन फ्रांस, स्टेबल लोअर क्लास का भला नहीं करती थी, ये स्थाई नहीं थी, और तीसरी चीज महंगाई बढ़ गई थी। क्यों बढ़ी थी, बाहर की वजह से। तो इसका मतलब है इट कुड नॉट लुक आफ्टर वेलफेयर ऑफ पुअर पीपल, क्यों नहीं देख पाई, एज इट वॉज अ ग्रुप ऑफ रिच पीपल ऑफ थर्ड स्टेट। रिच पीपल क्यों गरीब का भला देखें,
So because it was a group of rich people, जो लैंड जिनके पास है वही तो ये इलेक्टर्स को चुनते थे, वो सब भी रिच ही होते थे, तो इसलिए जब रिच पीपल की कोई संस्था होगी वो गरीबों का क्यों ध्यान देगी। प्राइजेस वर रोज हाई ड्यू टू वार। दूसरा पॉइंट, अगर इतना भी लिख दोगे तो पूरे नंबर है, लेकिन फिर भी पूरी चीज जाननी चाहिए। प्राइजेस रोज। तो सर एबीसीएस ने इनके बारे में कुछ नहीं कहा कि उन्हें पुअर पीपल का भी ध्यान रखना चाहिए? अबे सही, ये सब लोग हैं, ये सब भी अमीर थे, तो वो भी मतलब मोनार्की से थोड़ा नीचे सोच पाते थे। अब जैसे विक्टोरिया पहुंच गई, बोली ये सब लोग क्यों कर रहे हैं, तो ये बोले रोटी रोटी चिल्ला रहे हैं, वो अपने चैरियट पे बैठी हुई थी। अच्छा रोटी नहीं है इनके पास? नहीं महारानी, इनके पास रोटी नहीं है, इसीलिए तो ब्रेड बटर खा लें। वो उतना सोच ही नहीं पा रहे कि रोटी नहीं तो ब्रेड बटर कैसे खाएंगे, तो कितना सिंपल है उनके लिए। बोले उनको ब्रेड बटर खाना चाहिए, रोटी नहीं है, क्योंकि उनको कभी अभाव हुआ ही नहीं। तो वो अगर मेरा भी सोचेंगे तो थोड़ा नीचे सोच पाएंगे, बिल्कुल नीचे का तो सोच भी नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते वहां तक, वो कभी उस गरीबी में रहे ही नहीं है तो सोच पाएंगे, तो इसलिए। तो और जब इतना कुछ हुआ, सबसे पहले तुम कुछ भी गड़बड़ करोगे तुम अमीर हो तो हम तुम पे यही डाउट आएगा कि ये अमीर है गरीबों के नहीं देखता। लोग अलग अलग एस्पेक्ट में भी तो देखते हैं कि नहीं, ये अमीर अमीर लोग हैं, अमीरों की संस्था हमारा क्या करेगी, और ये बात लोगों में बड़ी इम्पैक्ट करती है, ये सब अमीर अमीर लोग हैं हमको क्या देखेंगे, तो फिर अपनी संस्था नहीं बनाओगे। वही चीज है। सो प्राइजेस रोज हाई किसकी वजह से हुआ? ड्यू टू वार। और तीसरी चीज क्या था? तीसरी चीज ये भी थी, वीटो पावर तो ये हो गया कि कुड नॉट टेक ग्रुप ऑफ रिच पीपल ड्यू टू वार। तीसरी चीज, इट वाज अनस्टेबल, इट कुड नॉट प्रोवाइड अ स्टेबल गवर्नमेंट। और चौथी बात अदिति बताओ, इट कुड नॉट प्रोवाइड अ स्टेबल गवर्नमेंट। तुम बताओ, तो वे प्रोवाइड नहीं कर पाए इसलिए। और चौथी चीज तुम बताओ, क्योंकि तुम्हारे और आना के बीच कंपटीशन है, वो भी एसएसटी लवर है, आना हाथ उठाए पहले से, तुम बता दो तो तुम्हारी जीत है। बताओ, एसएसटी के बारे में वो बहुत जानती है, तुम नहीं बता पाओगे तो फिर उसी की जीत मान ली जाए। लो उसने बता दिया दे वर फेवरिंग कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिव और लिबरल में चल रहा है। लिबरल वो होते हैं जो राजा वजा नहीं चाहते हैं, बोलते हैं हमको अधिकार दो, कल उसे नहीं पता था लिबरल्स कंजर्वेटिव सोशलिस्ट ये सब बताया था कि नहीं? Yes, अगर ये कंजर्वेटिव को फेवर ना करते, बात समझ आई, अगर ये कंजर्वेटिव को फेवर ना करते तो राजा को वीटो क्यों देते? राजा राजा कर रहे हैं शुरू से, नहीं कर रहे हैं। सो कंजर्वेटिव डू नॉट वॉन्ट एनी फास्टर चेंज इन रिजाइन, क्या वो शासन तंत्र में कोई गतिपूर्वक बदलाव चाहेंगे रूढ़िवादी लोग? सो इसलिए आप क्या समझती हैं अर्चिता, ये जो नेशनल असेंबली के लोग थे वो कंजर्वेटिव थे कि लिबरल, उदारवादी थे कि रूढ़िवादी? देखो बता दिया ना, लिबरल नहीं थे। ये बहुत स्किलफुली सुनती हर चीज को, इसीलिए आपको कुछ बहुत महीन बात समझनी है, जानकार के पास जाओ, कितना क्लियरली उन्होंने बता दिया, दे वर नॉट लिबरल्स, बहुत बड़ी बात। अब हम इस चीज को समझें, कितना हर चीज को, ठीक है, तुमसे भी ज्यादा बजाने। सो नेशनल असेंबली, बोलो अदिति समझ में आई बात कि नहीं? अभी इनके बीच में डिस्टिंक्शन भी बताएंगे। ओके, नेशनल असेंबली क्या करती थी बताइए? वर सपोर्टिंग किंग्स रूल, किंग्स रूल, किंग्स रूल को करते थे कि नहीं? एंड वर कंजर्वेटिव, और वर कैसे थे बोलिए? कंजर्वेटिव। व्हाई? जॉन लॉक, रेस्यू एंड मॉन्टेस्क्यू ने क्या कह दिया कि जन्म पर आधारित किसी को भी कोई भी तरीके का वो सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, बिकॉज अर्थ हैज गिवन bestowed resources to all equally, अर्थ के द्वारा, धरती के द्वारा सभी को दी गई संपदा
समान रूप से वरदानित है। तो हम जन्म के आधार पर किसी को ऊंचा क्यों माने? तो लोग अब ये मानने लगे थे कि राजा का शासन हट जाए, एक लिबरल सरकार और हमारा चुना प्रतिनिधि बने, एक गरीब आदमी राजा बने। क्या यही लिबरल नहीं है? मोनार्क ना बने, रिप्रेजेंटेटिव कौन हो? गरीब का। बोलो बात समझ आ गई? अब तक लोग ये समझ चुके थे, ये कंजर्वेटिव का क्या मतलब है? बोलो, रूढ़िवादी। अच्छा एक और बात बताओ अर्जित, आप तो बहुत जानकार हो, ये जो नेशनल असेंबली थी, क्या ये राजा को ही वहां बैठाना चाहती थी कि कॉमन पीपल को सबसे टॉप? जो कंजर्वेटिव है उनकी सोच क्या होती है? बहुत कंजर्व होते हैं वो, क्या सोचते हैं? आप बोलो, जो जैसे चल रहा हो तो ये राजा को चाहते हैं। अब उसी समय क्या वो बताइए, वर कंजर्वेटिव। सर कंजर्वेटिव मतलब समझ नहीं आया। कंजर्वेटिव में मतलब समझो इसका, एक होते हैं दो चीजों के बीच में। यहाँ पर 1774 से तुमको मैं 1870 तक की कहानी बता रहा हूँ। कहां से कहां तक की? अभी यहां से यहां तक कहानी चलेगी। तीन बार कंजर्वेटिव आए पावर में, तीन बार लिबरल, इनकी कहानी समझो। किसी बार कौन है बोलो? थ्री टाइम्स कंजर्वेटिव, ब्रेक हो जाएगी अभी, ये इसका सेल डाउन हो गया, बंद करने वाले हैं। थ्री टाइम्स कंजर्वेटिव और थ्री टाइम्स कौन आए? लिबरल्स। लिबरल्स तो थ्री टाइम्स कंजर्वेटिव आए और थ्री टाइम्स कंजर्वेटिव कौन होते हैं, लिबरल कौन थे? ये लास्ट पॉइंट लिख लो, कंजर्वेटिव और कौन से हैं? लिबरल्स। कंजर्वेटिव होते हैं रूढ़िवादी, और ये कौन से होते हैं? उदारवादी। दे वांट्स किंग्स रूल। ये क्या चाहते हैं बोलो? किंग्स रूल। फिर वो क्या चाहते हैं? सर पुअर पीपल्स रूल। क्या वही था रॉबिस्प्रे? दे वॉन्ट दैट समबडी अमंग देम शुड बी देयर लीडर, शुड बी देयर लीडर। अब तुम्हें पता चल गया, दे वॉन्ट मैक्सिमम फ्रीडम, दे वॉन्ट सम फ्रीडम, थोड़ा फ्रीडम चाहते हैं। ये दे वॉन्ट दैट वॉट एवर इज रनिंग इट शुड रन एज पर इट। दे वॉन्ट दैट वॉट एवर इज रनिंग इज रनिंग शुड रन एंड स्लो चेंज चाहते हैं, एंड वॉन्ट स्लो चेंज। और जबकि ये क्या चाहते हैं? दे वॉन्ट मैक्सिमम फ्रीडम फ्रीडम एंड फास्ट चेंज। अभी तक दो डिजाइन तुमको बताई, एब्सोल्यूट मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कौन सा बताओ कंजर्वेटिव और कौन सा लिबरल है? सर दोनों ही। बहुत अच्छा, तो ये दोनों ही कौन सी हुई बताइए? कंजर्वेटिव। बोथ आर कंजर्वेटिव। और अब जो आने वाली वो क्या है? लिबरल। क्योंकि ये जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ये लोगों के द्वारा चुन के आएगा, जिसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। इतना ही देखते, इतना समझ में आया आदित्य कि नहीं जितना आज बताया? ओके फिर से देखते। You can leave all of them. Thank you. Welcome. अभी कन्वेंशन पढ़ेंगे तभी तो। सब कल बता देंगे, मैंने तो पढ़ा नहीं। जब बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, अभी यही बताएंगे तभी तो तुम्हें समझ में आएगा। उनमें दोनों में वन मैन वन पर्सन पावर होता है, इसमें मैक्स मिलियन और उसमें, तो उसमें नोबिलिटी होता है, इसमें हमारे बीच का ये पहुंच जाएगा जस्टिन, इसमें फर्क नहीं होता। इलेक्टेड नहीं होते वो, जैसे लुई 16 इलेक्टेड नहीं, वो डायनेस्टी का है, हमने इसको भेज दिया जाओ तुम वहाँ महल में बैठो। दोनों में फर्क है, ये बहुत बड़ा फर्क है।
एक हमारा ही आदमी वहाँ पहुँच जाए, हम पहुँच जाए, तुम पहुँच जाओ, पर क्या ये रिपब्लिक नहीं है? चाय बेचने वाला पहुँच जाए,